यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा आज। वोटिंग के बाद आज ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 9 बजे विधानसभा में वोटिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे से मतगणना होगी और सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। बता दें आपको, राज्यसभा की 10 सीटों पर कुल मिला के 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। किसी एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी का होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो आप इस गणित को समझ लीजिए कि जो एक सीट है उस पर जो पेंच फंसा हुआ है, उसी पर बैठकों का दौर चल रहा है, डिनर का आयोजन किया जा रहा है लगातार। समाजवादी पार्टी ने भी अपने विधायकों के साथ डिनर का आयोजन किया गया और बीजेपी की तरफ से भी डिनर का आयोजन किया गया, सिर्फ यही चीज पक्की करने के लिए कि जो एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है। आठों के आठों प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, निसंकोच जीतेंगे, परिणाम सामने आएगा शाम को आज। लेकिन जिस तरीके से रस्साकसी चल रही थी, संख्या बल की गुड़ागड़ी थी, अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक कल बैठक में उनकी नहीं पहुंचे, 8 विधायक गायब थे, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या आपके संपर्क में हैं? जो लोग प्रभावित है हमारी नीतियों रीतियों में और कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं वो सहयोग करेंगे। तो ये आज नहीं, लेकिन हमारी संख्या पूरी है, हम आठों आठों अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरपूर संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपा के विधायक बेताब है वोट करने के लिए, राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक, आज बयान आया उनका, वो तो कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट करेंगे। स्वागत है उनका, जो अवैध कार्यक्रमों से नीतियों से प्रभावित है, हम उनका स्वागत करते हैं। इससे इसका मतलब समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने बड़ी फूट डाल दी है, सीधा सवाल ये। स्वाभाविक है, बट टूटना शुरू, सपा का अंत शुरू। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, आज के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 10 सीटें हैं। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। सर आज मतदान होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्रॉस वोट की खबर आ रही है, उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। तो एक एक करके आपको हम रिएक्शंस दिखा रहे हैं, क्या बीजेपी के विधायक और तमाम बड़े नेता जो हैं वो कैमरे पर आकर अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बहुत आश्वस्त है। अब ये जो तीसरी सीट है जिस पर 7 सदस्यों की जीत जो है वो बीजेपी की तय है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो भी जीतनी तय है, लेकिन एक सीट का जो पेंच फंसा हुआ है उसी पर अब पूरा गणित दोनों ही पार्टियों की तरफ से फिट बिठाया जा रहा है। संकेत और अलाउद्दीन हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं, लेकिन अलाउद्दीन के पास हम पहले जाएंगे जो हमें जानकारी देंगे। अलाउद्दीन, ये एक सीट का पेंच जो है आज पूरी राजनीति के गणित को दिखा देगा। इस समय हम दर्शकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम विधायकों का आना शुरू हो गया है, यानी कि राज्यसभा में अब लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मुख्य जो एजेंट है समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव वो आ गए हैं, इसके अलावा सह जो एजेंट है रणा संग्राम सिंह यादव वो आ चुके हैं कैंपस में। और खासतौर से जो बात होनी चाहिए, जिस गणित की बात आप कर रही थी, 36.1 वोट चाहिए, 36.1 विधायकों से एक राज्यसभा का सांसद जाएगा, और यानी कि उसको आप 37 मान सकते हैं। तो 37 अगर समाजवादी पार्टी के खाते में किए जाए तो 2 उनके सेफ जो है लोग जा रहे हैं राज्यसभा में, जबकि जब बात हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं तो 7 उनके सेफ जा रहे हैं। उनके पास 28 वोट पहली प्रायोरिटी के बचते हैं, जबकि 34 वोट समाजवादी पार्टी के पास बचते हैं। लेकिन कल जो डिनर डिप्लोमेसी के तहत समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम विधायकों को बुलाया गया था, उसमें 7 से 8 विधायक क्योंकि नहीं आए थे, तो ऐसे में ये शक किया जा रहा है कि वो तमाम लोग आज यहां पर क्रॉस वोट कर सकते हैं। मैं एक बार विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां से तमाम विधायकों की एंट्री हो रही है, जहां तमाम विधायकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। साफ तौर से आप देखें तो तमाम नेतागण भी आ रहे हैं। इस जगह पर वोट कास्ट होगा, ठीक 9 बजे से वोट कास्ट शुरू हो जाएगा।
जैसा कि बातचीत में मुझसे खुद फोन पर राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि वो फिलहाल एनडीए को वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे में इसके अलावा पूजा पाल भी वोट कास्ट करने जा रही है एनडीए को, तो आप मान के चल सकते हैं कि वोट कास्ट करने को लेकर के जिस तरह की बातें निकल करके आ रही है वो शकशुबह में डाल रही है समाजवादी पार्टी के लिए खासतौर से, तो अगर ये वोट डाइवर्ट होंगे एनडीए की तरफ तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी। इससे पहले भी होता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आज क्रॉस वोटिंग होती है। संजय सेठ जो उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी की तरफ से, संकेत भी हमारे साथ मौजूद है। संकेत, संजय सेठ को उतारने के बाद ही गणित पूरा हिल गया है, बीजेपी पूरी आश्वस्त है कि सीटें उसी की होंगी जो जो उम्मीदवार उनकी तरफ से मैदान।